अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आई गॉट माय फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें मैंने फ़ोटोग्राफी की थी। सो उसके अंदर सबसे पहले ये हुआ कि हम गए, मैं उठा, तैयार हुआ और फिर ये हुआ। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी 9:45 होने वाले और आज हमारी शूट कंप्लीट होने वाली है। एक प्रोजेक्ट था, मुफ्त का था, तो एक मतलब शादी थी जो उसके अंदर हमें फ़ोटोग्राफी करनी थी। अब आप ये कहेंगे कि भाई तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है, उसका भी जवाब मेरे पास है। उसका जवाब ये कि सर्दी की कड़कड़ाती हुई सुबह में जब सूरज भी ठीक से ना निकला हो, आप उठें अपनी रज़ाई छोड़कर और नहाएं और फिर तैयार हों और फिर आपका दोस्त आपके लिए बाइक लेकर। तो माय बॉय अहमद इज हियर। अरे रुकें, आपने ये तो पूछा नहीं कि तुमने नाश्ता किया था या नहीं किया। तो उस सर्दी में जाते हुए हम नाश्ते के लिए भी रुके एंड फिर नाश्ता कर लिया। ना अब जहाँ शूट है वहाँ जा रहे हैं, वो एक गांव में, तो हम गांव में जाएंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गांव में ही शूट करता रहना। हाँ गांव वाले ही बनेंगे अपन। फिर नाश्ते के बाद आपका भाई रवाना हुआ गांव की तरफ और जब हम गांव की तरफ एंटर होने लगे, सो आई वाज सरप्राइज बाय द ब्यूटी। काफ़ी वो जो ऑटम वाला, ऑटम के बाद वाला ऐसा कुछ होता है ना, वो प्लांट्स के कलर्स चेंज हो जाते हैं एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट, सो वो वाला सीन चल रहा था उधर, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जब आपका भाई वहाँ से फारिग हुआ, देन आपके भाई के साथ जो उनके दोस्त थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई टाइम बचा हुआ है, कैमरा रेंट पे लिया था और जब हमने रेंट पे लिया था तो टाइम पूरा नहीं हुआ था, सो वी डिसाइडेड फॉर अ फोटो शूट विद माय फ्रेंड्स। हमारी शूट तो कंप्लीट हो गई थी लेकिन अभी हम आए स्टेशन पे क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वो बोल रहे थे कि हम फोटो शूट करेंगे थोड़ा सा दोस्तों के साथ। सन किस हो रहा है तो इस वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी हम खड़े हुए हैं वो जो स्टेशन के ऊपर फ्लाईओवर बोलते हैं ना उसको, पेडेस्ट्रियन ब्रिज। एक भाई ने हमें बताया जो कि वीडियो में नहीं आना चाहते लेकिन वो बता रहे हैं इसको ये बोलते हैं, बड़ा मुश्किल सा नाम है लेकिन हम आ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं कराची से लाहौर की जानिब। और फिर जब हम जैसे ही रेलवे स्टेशन में गए, मैंने ट्रेन देखी और फिर देखें क्या हुआ, मुझे वो वाला सीन याद आ गया। कराची से लोग अपनों में ईद कर, मेरी तो आँखें नहीं खुल रही, कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के। अरे भाई वहाँ से जाना यार, ओए ओवर ना हो, ये कुछ ज्यादा हो गया। पहले में चुप दूसरे में थोड़ा। अच्छा वरी ये चीज़ आई है ना, वरी एठा का मुड़ी। नहीं क्या ये क्या, नहीं सेम बंदा नहीं, मैं जाऊंगा, मैं मुझे कुछ नहीं कही, यही मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं कही, नहीं ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा तू भाई। यार भाई ऐसे कहेंगे या ज्यादा धक्के दे रहा है शुरू से ही उन्होंने। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूने मुल्क, कराची से लोग कैसे कर रहा है, तू चुप तो हो जा, ये चला गया तू अभी। अरे नेचुरली यार बाहर पे आया, मजो आया यार नेचुरली। 3-2-1 कराची से लोग अपनों में, कराची से लोग अपनों में ईद मना, कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए। अरे भाई वहां से चला जाना यार, कराची से यार यो चाहे यार अच्छा बन गया वो हंस गया।
अच्छा ये इसकी गलती, मैंने सही किया यार, तो तुमने क्यों किया ऐसा यार? मैं तुम्हें अपने इतने में कास्ट नहीं करूंगा यार, मैं अपने काम से जा रहा हूँ। 3, 2, 1 कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूने, अरे भाई वहाँ से चला जाना यार। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूने मुल्क जा रहे हैं और कैमरामैन कामरान यूसुफ के साथ। आजा आजा भाई आजा। बहुत गलत बना है मेरा। और फिर जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो कुछ देर के बाद ग्रुप के लड़कों ने थकन का मुजाहरा कर लिया, तो फिर हमने वक्त को थमा दिया और कहा कि हम कुछ देर बाद जाएंगे। तो फिर हम अपने घर को रवाना हुए और आए घर, अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाया एंड देन 4:30 बजे पहुंच गए हाला रोड वाले किले पे। फिर वहाँ पे भी हमने शूट किया और जस्ट व्यू चेक करें, एक किला, बैकग्राउंड, सनसेट, सब कुछ है। चीज जो मेन चीज है, मेन चीज चेक करें यहाँ के। और जैसे ही भैया शूट खत्म हुआ, आपके भाई ने रुख किया रूपामाड़ी होटल का, क्योंकि चाय जो पीनी थी हमें। और जो चाय पी उसके बाद हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो आज के लिए इतना ही।